हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। मैं अनुभव वर्मा, मैं आप लोगों को टैली में ट्रेंड करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग ने सीखा था कि लेजर कैसे बनाते हैं, ठीक है, ग्रुप एंड लेजर पार्ट टू में हमने देखा था कि लेजर कैसे बनाते हैं और उसको कैसे ग्रुप के अंडर डालते हैं, ठीक है। आगे हमें सीखना टैली में कि हमें जर्नल एंट्री कैसे करनी है। तो जर्नल एंट्री क्लियर होने के लिए आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी याद होनी चाहिए, जो बेसिक है, ठीक है। बेसिक किसका है? अकाउंट्स का। पूरी अकाउंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड किस पे डिपेंड है? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी पे। अगर आपको ये याद है तो आप चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं चाहे नॉन कॉमर्स, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और इसी के बेसिस पे आप गोल्डन रूल्स के बेसिस पे आप लेजर भी बना सकते हैं और जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं, ठीक है। गोल्डन रूल्स तीन प्रकार के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि पर्सनल में क्या होता है और रियल में और नॉमिनल में, ठीक है। देखिए, जैसा कि हमने लिख दिया कि पर्सनल अकाउंट में क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। डी आर अकाउंट्स में डेबिट और सी आर मतलब क्रेडिट, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर मतलब कि जो प्राप्त करता है वो क्या हो जाता है? डेबिट। और जिसको जो देता है वो क्या हो जाता है? क्रेडिट, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो देखते हैं इसमें एग्जाम्पल क्या होते हैं। एग्जाम्पल आपके हो जाते हैं जैसे कि सन्ड्री डेटर, क्रेडिटर, ठीक है, और किसी व्यक्ति का नाम, नेम ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, ईटीसी, ठीक है। अब देखिए, हमने लिखा सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर और नेम ऑफ एनी पर्सन, ठीक है। सन्ड्री डेटर कौन होते हैं? जो हमसे उधार लेते हैं, ठीक है, जिनको हमने उधार पे माल बेचा है वो हमारे क्या होते हैं? सन्ड्री डेटर। सन्ड्री क्रेडिटर जिनसे हमने उधार पे माल लिया है, ठीक है। और नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी पर्सन में आपके सन्ड्री डेटर भी आ जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर भी आ जाएंगे, और वो भी लोग आ जाएंगे जो आपसे उधार पे नहीं सामान खरीदे हैं, आपसे नगद पे खरीदे हैं और आपने उनको नगद पे ही सामान बेचा है, ठीक है। या आपके ऑफिस में जो लोग काम करते हैं तो वो सब किस में आ जाएंगे? आपके पर्सनल अकाउंट में। आइए हम लोग सेकंड रूल देखते हैं, ठीक है। रियल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट का क्या रूल है? ठीक है, ये आपके रूल है रियल अकाउंट के। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है वो डेबिट, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाता है वो क्रेडिट, ठीक है। पहले में क्या था? जो व्यक्ति पाता है, रिसीवर, वो डेबिट होता है, और जो देता है, गिवर, वो क्रेडिट होता है। इसमें क्या है? जो आपके पास आता है वो डेबिट, और जो आपके पास से जाता है वो क्रेडिट, ठीक है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा, ठीक है। कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग मतलब कि आपके पास जैसे कैश आया तो आप उसको क्या करेंगे? डेबिट। और कैश आपके पास से जाएगा तो आप क्या करेंगे? क्रेडिट। आपने फर्नीचर खरीदा तो आपके पास क्या आया? फर्नीचर, तो आप फर्नीचर क्या करेंगे? डेबिट। और आपके पास से क्या गया? कैश। अगर आपने नगद पे लिया है तो आप क्या करेंगे? क्रेडिट, ठीक है। एक और रूल होता है, वो होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है।
इसमें क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। अब नॉमिनल में क्या होता है, जितने भी आपके खर्चे होते हैं और नुकसान होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, आपके डेबिट, और जितनी भी आपकी इनकम है, जितने भी आपकी इनकम है या आपका प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है, क्रेडिट, ठीक है। इसका भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि इसमें हो जाएगा परचेज सेल एक्सेट्रा, ठीक है। अब परचेज सेल का क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा तो आपने परचेज किया है तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, तो एक्सपेंस हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। आपने बेचा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगी, तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे हम लोग टैली में नहीं, जैसे मान लीजिए हम लोग मैनुअली जब अकाउंटेंसी बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट बुक, तो जब जर्नल एंट्री करते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। उसका फॉर्मेट आपका ऐसे होता है, इस तरह का फॉर्मेट होता है आपका, जिसमें कुछ हेडिंग होती है, जैसे कि आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, पहले में डेट, दूसरा यहाँ पे लिखते हैं पर्टिकुलर, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं LF, यहाँ पे अमाउंट और यहाँ पे भी अमाउंट, ठीक है। देखिए कि जैसा हमने बता दिया आप लोगों को कि अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। पूरी अकाउंटेंसी आपकी किस पे चलती है, उसी गोल्डन रूल पे, आप ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी काम करें, ठीक है। और दो चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है, एक होता है डेबिट, ठीक है, जिसको हम लोग उसका साइन लिखते हैं सिंबल DR, और एक होता है क्रेडिट, एक होता है क्रेडिट जिसको हम लोग CR से डिनोट करते हैं, ठीक है। हमने कहा क्या था, ये जब मैनुअल आप अकाउंट बनाते हैं तब ये फॉर्मेट आपका रहता है, डेट, डेट में हम डेट लिखते हैं, पर्टिकुलर में हम वो जर्नल एंट्री करते हैं, LF में लेजर फोलियो होता है, हाँ लेजर फोलियो होता है, कि जैसे कि आप जब लेजर बनाते हैं तो उस लेजर को आपने किस जगह लिखा है तो वो यहाँ पे डालते हैं, अमाउंट में यहाँ पे डेबिट अमाउंट डालेंगे, यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन मान लीजिए हमने कहा कि आपने सैलरी दी, ठीक है, आप एक बिजनेस फर्म है, आपने सैलरी दी अपने एम्प्लॉय को, ठीक है, तो सैलरी दी, तो अब देखिए इसमें दो चीज़ आपका हो रहा है, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्यों, क्योंकि आप जब सैलरी देंगे तो आप कैश में देंगे या अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो आपके पास से क्या जाएगा, मनी, ठीक है, और सैलरी आपका क्या है, एक्सपेंस है, ठीक। तो हमने क्या बताया था, डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट में, ठीक है, पर आपके पास से जा रहा है कैश, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन नहीं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमको ये पता चल गया कि हमको क्रेडिट में क्या लिखना है, क्रेडिट में क्या लिखना है, हमें क्या लिखना, कैश, ठीक है, और आपका एक्सपेंस क्या है, सैलरी, ठीक है, तो सैलरी हम लिख देंगे डेबिट में। नॉमिनल अकाउंट में जैसे कि होता है, ठीक है, कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। आइए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर डेट डाल देते हैं 1 जून 2020 को हमने ये एंट्री पास की, ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, ठीक। अब हमने क्या बता दिया, जैसे कि ये एंट्री आपकी मैनुअल होती है और इसी तरह आपको एंट्री टैली में भी करनी है, तो उसके लिए आपको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमने लिखा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, मान लीजिए हमने सैलरी दी टोटल 50,000 की, ठीक है, अब हमने सैलरी दे दी 50,000 की,
तो सैलरी हमने डेबिट क्यों की है, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, ठीक है, एक्सपेंस, और ये हमारा है मान कैश ही है, ठीक है, तो एक्सपेंस है तो ये डेबिट है, क्योंकि इसने हमारा क्या फॉलो किया है, नॉमिनल अकाउंट का रूल, वो क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, और आपका कैश हमने बताया था कि रियल में आता है, तो रियल का क्या रूल है, ठीक है, जैसा कि डेबिट वाला फुलफिल हो गया है तो रियल का रूल देखेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आपके पास तो कुछ आया नहीं है, आपने एक्सपेंस उल्टा किया है, एक्सपेंस किया है तो आपके पास से पैसे गए हैं, ठीक है, या तो फिर आपने बैंक में डाले होंगे एम्प्लॉय के सैलरी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, तो इस रूल के तहत हमने ये एंट्री पास की है, और ये जो आप देख रहे हैं बीइंग सैलरी पेड, इसको कहते हैं अकाउंट्स में नरेशन, ये बहुत जरूरी होती है, और इसको आप लोगों को टैली में भी लिखना होता है, ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, टैली में आपको फॉर्मेट नहीं बनाना है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है। अब देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि हम लोग लेजर बनाते हैं तब एंट्री पास होती है, ठीक है, अब हम लोग जब ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम लोग लेजर बनाएंगे, तो हमने क्या कहा था, क्वेश्चन क्या है, सैलरी पे की है कैश में, ठीक है, तो एक लेजर हमारा क्या बनेगा, सैलरी का, जैसा कि हमने आप लोग बताया था, अकाउंट्स इन्फो गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट्स इन्फो लेजर में जाएंगे और वहां से क्रिएट करेंगे, एक बनाएंगे लेजर सैलरी का जो ग्रुप में जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है, और दूसरा हम क्या बनाएंगे, कैश, ठीक है, कैश बनाएंगे, और कैश आपका हमने बताया था कि दो लेजर टैली में पहले से बने रहते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस का, एक कैश का, तो कैश का लेजर बनाना नहीं है, ऑल्टर में जाएंगे और वहीं से ऑल्टर करके ये अमाउंट डाल देंगे 50,000 की, और ये 50,000 की अमाउंट डाल देंगे सैलरी में, ठीक है, तो ये लेजर बन जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और उसमें ये देखते हैं कि कौन कौन से लेजर बनेंगे, ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, ये जैसे दो क्वेश्चन है, एक है गुड्स परचेज और एक है गुड्स सोल्ड, ठीक है, तो ये दोनों एंट्री आपके ही कंपनी में होगी, पर एक में गुड्स परचेज है, इसका मतलब क्या है, आपने गुड्स खरीदा है, ठीक है, तो अब इसमें ये पता कैसे चलेगा कि गुड्स कैश में है कि क्रेडिट में, अगर कैश या चेक नहीं लिखा है तो इसका मतलब गुड्स आपका उधार पे लिया गया है, ठीक है, और ये बेचा गया है तो यहाँ पे भी कैश और चेक नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है कि गुड्स हमने उधार पे बेचा। अब देखिए यहाँ पे आपके दो लेजर बनेंगे, पहला लेजर क्या बनेगा, परचेज का, ठीक है, और दूसरा लेजर आपका क्या बनेगा, गुड्स का, इसमें क्या बनेगा, सोल्ड का कोई लेजर नहीं होता है, सेल्स का लेजर बनेगा, और इसमें क्या बनेगा, गुड्स का ही लेजर बनेगा, ठीक है, तो ऐसे हमें गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी से एंट्री देखनी पड़ेगी कैसे होगी क्या होगी, और हमें यह भी देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन कौन से लेजर बनेंगे और किस ग्रुप में जाएंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि लेजर जो बनते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उसमें ग्रुप में जाएंगे, और कुछ जनरल एंट्री भी करेंगे, ठीक है, वीडियो को देखते रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच।